टॉपिक के साथ आया हूं और ये टॉपिक एक्चुअली जो कल जो मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था जो सिक्स डायमेंशन ऑफ वुमन वेलनेस के बारे में मैंने बताया था उन्हीं सिक्स डायमेंशन में एक्चुअली क्या है कि वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम क्या एक एक डायमेंशन को अब थोड़ा डिटेल में और हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज उसी सिक्स डायमेंशन के वुमन वेलनेस की जो होलिस्टिक अप्रोच के बारे में मैंने बताया था उसी में आज हम ऑक्यूपेशनल वेलनेस के बारे में बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या होती है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड जो हमारा जॉब है उसमें हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स और कंसर्न क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है एज एन एडल्ट व्हेन वी आर इन एनी जॉब और एनी प्रोफेशन किसी में भी हम आए तो हमारा जो लाइफ का जितना भी टाइम है उसका आधा समय हमारा जो हमारे ऑफिस में हमारे जॉब में निकलता है। डेफिनेटली वहाँ पर हमारा जो एनवायरमेंट है जो हमारा पूरा हमारा खुद का पर्सनल जो हमारा पर्सपेक्टिव है हमारी खुद की जो फीलिंग है और जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना और अपने आप को खुद को एक हैप्पी और एक सेटिस्फाइंग सॉल महसूस करना दिस इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज कि जो भी हम ये वर्क और लाइफ बैलेंस के लिए आपका जो वर्क और आपकी जो फैमिली है आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप जिस एनवायरनमेंट में आपका प्रोफेशन और जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको वेल सुटेड हो उसमें आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें अपने आप को आप एक एनर्जेटिक और एक पैशन के तहत आप जो है वर्क कर रहे हैं और उसमें एंजॉय कर रहे हैं देन ओनली आप जब घर पर आएंगे आप अपनी फैमिली के साथ होंगे तो आप एक स्ट्रेस फ्री रहेंगे एक हैप्पी लाइफ जिएंगे और अपनी फैमिली को भी आप प्रॉपर समय दे पाएंगे। तो ये जो ऑक्यूपेशनल वेलनेस है ये बहुत जरूरी है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस कैसे हम जो है एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट अपने जॉब में या जो भी अपन बिजनेस करते हैं उसमें क्रिएट कर सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्फ। कैसे डिपेंड करेगा कि आपको सबसे पहले जो करियर चूज करते वक्त आपको देखना होगा कि जो करियर आप चूज कर रहे हैं वो आपके मन के मुताबिक है या नहीं। एक कहा गया है कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू ये दोनों ही जरूरी है। आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें आप का पैशन आपका उसमें एंथुसियाज्म आपका उसमें एनर्जी है या नहीं। यू आर डूइंग इट एज अ कंपल्सन एक मजबूरी के तहत तो नहीं कर रहे हैं कि जैसे आपको फैमिली ने बोल दिया आपके एस्पिरेंट जो है आपकी फैमिली ज्यादा है आपके बजाय और वो चाहती है कि आपको जबरदस्ती इस प्रोफेशन में या किसी भी बिजनेस में आपको धकेल दिया जिसमें आपका कोई पैशन नहीं है कोई लव नहीं है तो डेफिनेटली आप उस वर्क को जो है बहुत लंबे समय तक आप उसको एज ए बोझ आप उसको जो है ना एज ए बर्डन आप उसको करेंगे तो वो नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी एक पैशन जो भी करियर अपना चूज करें वो करियर आपका उसमें आपका पैशन होना चाहिए फर्स्ट थिंग। अगर आपका उसमें पैशन है आपका उसमें लव है एंथुसियाज्म में तो डेफिनेटली फिर कोई इशू नहीं होगा आपको फिर आप वर्क करने में आपको मजा आएगा आपको जो आपके जो टीम मेट्स हैं जितने भी आपके वहाँ को वर्कर्स हैं उनके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखेंगे अपने बॉस के साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखेंगे। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं है वो वहाँ के जो टीम वर्कर्स हैं जो वहाँ का कंपनी का जो वर्क कल्चर है उसकी भी जिम्मेदारी है कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसकी भी जिम्मेदारी है लेकिन उसमें आधा पार्ट आपका भी है। तो अगर आपका पैशन है आपका उसमें एंथुसियाज्म है तो डेफिनेटली जो है ना आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा एक मैटर करता है तो उसमें भी हमको ध्यान रखना है कि भाई आजकल वैसे भी जैसे कोरोना का पैंडेमिक इतना फैल रहा है तो इस कोरोना पैंडेमिक में हमको पूरे हेल्थ सेफ्टी मेजर्स हमको यूज करने हैं और कंपनी के भी ये डायरेक्टिव्स होते हैं ये उनके गाइडलाइंस होती है कि भाई वो अपने जो जितने भी एम्प्लॉय है उनकी हेल्थ और उसका ध्यान रखें। तो ये तो एक ऐसा जो जनरल हेल्थ हजार्ड है जो कि पूरी कम्युनिटी में फैल रहा है। इसके अलावा हर जो ऑक्यूपेशन है हर जो बिजनेस होता है उसके खुद के भी कुछ
ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, है ना, जैसे एज ए मेडिकल प्रोफेशन हमारे उसमें ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, ठीक है ना, जैसे इसके अलावा जो भी माइन वर्कर्स हैं उनके अलग होते हैं, जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अलग हजार्ड होते हैं। तो उनमें केमिकल जो फैक्ट्रीज हैं, आपने देखा भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, इट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी, तो वो क्यों हुई, कि वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्रॉपर नहीं अपनाए गए। तो ये एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी जो है वो बहुत जरूरी है, इसके लिए गाइडलाइंस होती है, कंपनी के लिए गाइडलाइंस होती है, उनका पालन करना और हमको भी उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, देन ओनली वी कैन सिक्योर अवर सेल्फ एंड अवर टीम मेंबर्स आल्सो। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात आती है, सिक्योरिटी का स्पेशली जो हमारे फीमेल जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको हमें एक सिक्योरिटी और एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी होता है वर्क कल्चर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अफेक्ट करेगा हमारे और जो डायमेंशन की जो हमारी हेल्थ है, अगर आप ऑक्यूपेशनली आप सेटिस्फाइड हैं, वेल सेटिस्फाइड हैं, तो आपके जो और डायमेंशन में आपकी जो वेलनेस है, आपकी हेल्थ है, वो भी आपकी प्रॉपर रहेगी, मेंटली आप अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, इमोशनली आप जो है ज़्यादा बेटर अपने आप को फील करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो रिफ्लेक्ट है वो आपकी फैमिली पर भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी बात ऑक्यूपेशनल वेलनेस की, कुछ स्लाइड्स के जरिए हम उसको और थोड़ा इस पर और एलेबोरेट करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको, मैं आपको स्लाइड शेयर के जरिए ले चलता हूँ आपको, वहाँ पर अपन इसको और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑक्यूपेशनल वेलनेस हैज टू बी डू विद वन हैप्पीनेस विद व्हाट दे आर डूइंग, मतलब हैप्पीनेस क्या है, ऑक्यूपेशनल हैप्पीनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या है, कि हम जो भी कर रहे हैं ना उसमें हम हैप्पी फील कर रहे हैं, है ना। ये अब एडल्ट का सारा समय जो है वो आधा समय तो मान के चलिए कि वो ऑफिस में निकलता है, तो डेफिनेटली दे शुड फील हैप्पी, ये जरूरी है। अब कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अब देखिए आपको एक तो प्रॉपर रेस्ट, है ना, जैसे आप सुबह जाते हैं मॉर्निंग में ऑफिस में जाते हैं, उससे पहले आप प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर स्लीप लें, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने जो टीम वर्कर हैं, जो वहाँ पर को वर्कर हैं, उनके साथ आप जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखेंगे, है ना। दूसरा, आपको मैंने पहले बताया था कि आपका जो करियर होता है वो करियर आपके आपके इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, यू शुड हैव अ पैशन अबाउट योर करियर, ठीक है। आपको फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आप अगर हेल्दी होंगे तो परफॉर्म वेल करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी टास्क आपको दिया है उस टास्क को आप पूरा कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, देन ओनली यू हैव अ बेटर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ओके। तो इसके लिए आपको शुरू में ही प्लानिंग करनी होगी, जैसे कि आप स्टडी लेवल पर हैं, आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा करियर चूज करना है, उस करियर को चूज करना जो कि आपका उसमें पैशन हो, है ना, आप यू आर हैप्पी डूइंग इट, और आपको अपनी हेल्थ का भी शुरू से ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए, जिससे कि आप वो जो जॉब और जो भी करियर आप चूज कर रहे हैं उसमें आप अपना प्रॉपर परफॉर्म कर पाए, बेटर परफॉर्म करें, तो आपको वेल अप टू डेट उसके लिए रहना है। तो आपको स्टडी करनी है, इंटरव्यू करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो आपको आगे ग्रो करने में और आपको एक ऑक्यूपेशनली एक हेल्थी और एक वेल फिट इंडिविजुअल बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये थी बातें, तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में और आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि और ऑक्यूपेशनल वेलनेस और सेफ्टी मेजर्स में हम क्या अपनाएं, क्या हम और इसमें बेटर, जिससे कि एक ऑक्यूपेशनली हम बेटर सेटिस्फाइड और एक लविंग जॉब और करियर के साथ अपने आप को आगे ग्रो करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर कल दूसरे एक ऐसे ही सीरीज में, दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम किसी दूसरे डायमेंशन की वेलनेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप कमेंट करते रहिए, नीचे शेयर करते रहिए, और मैं आपको बार बार रिमाइंडर कराता हूँ अपने उस फोटोकार्ट मार्केट प्लेस ऐप का, जो आपको डेफिनेटली एक ऑक्यूपेशनली, अगर आपने अभी कोई करियर चूज नहीं किया है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का, तो आप एक बार ऑनलाइन बिजनेस का ये बहुत अच्छा टूल है फोटोकार्ट, इसको आप एक बार जरूर अपना के देखें। ये फोटोकार्ट नाम से है, FOTOKART, आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको आप आपकी कोई भी, अगर आपकी ऑलरेडी शॉप है तो उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं, किसी प्रकार का कमीशन या डिस्काउंट आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, या आपने अभी करियर या ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक बिजनेस का पार्ट जरूर होना चाहिए। मेरा तो यही उद्देश्य है कि हर आप चाहे जॉब करें या कुछ भी करें, लेकिन आपके फैमिली में कम से कम एक बिजनेस का पार्ट होना जरूरी है, और बिजनेस के पार्ट के लिए भी आप अब तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का और ऑनलाइन सेलिंग का जो बिजनेस है वो इतना शानदार कारगर वो है कि आप घर बैठे कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर वर्क कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, सब
उद्देश्य क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले आपको, टाइम आपको जो है वो आपका ज्यादा कंज्यूम नहीं हो, एक आउटपुट आपको ज्यादा मिले, थोड़ा सा इनपुट देके, थोड़ा सा टाइम और मनी का इनपुट देके और आपको ज्यादा आउटपुट मिले, यही तो अपना उद्देश्य होता है। तो इसके लिए आप एक बार जरूर फोटोकार्ट ये मार्केट प्लेस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एज ए बायर इससे जुड़े हैं और बायर जुड़ के आप अपने जो भी जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली है वहां पर आप इसको प्रमोट करें, उनसे कहें कि भाई आप इस पर जाके और प्रॉपर बिजनेस कर सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस का एक बहुत अच्छा जरिया ये हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।